14 तारीख को ये थाने मार्केट है, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं मकर संक्रांति की खरीदारी करने। बहुत तरह के फूल, मिट्टी के बर्तन, बहुत कुछ मिल रहे थे, अच्छी खासी माला वगैरह। और ये अंजीर और स्ट्रॉबेरी और ऑरेंज भी बाजार में अवेलेबल था। मकर संक्रांति के लिए बहुत सी चीजें मिल रही थी, मिट्टी के बर्तन स्पेसिफिकली। मुझे मिट्टी का बर्तन बहुत पसंद है और वो पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो मैं मिट्टी का बर्तन यूज करती हूँ खाना बनाने के लिए। तो मेरा हंडी जो है वो क्रैक हो गया है, तो मैं आज नया हंडी लेना है वो उसके लिए आई हूँ। तो कढ़ाई भी देख रही हूँ, अच्छा लगता है, तो चलिए देखते हैं। इसी दुकान से लगभग हम लोग मिट्टी के बर्तन खरीदते हैं, ये टेस्ट कर रहे हैं कि कुछ फटा वटा है कि नहीं। फिर दूसरे दुकान में चले गए हम लोग, यहाँ पे पीतल के बर्तन वगैरह बहुत अच्छी मिलती है होलसेल रेट पे लगभग। मूर्तियाँ भी बहुत अवेलेबल हैं। मुझे मूर्ति लेना था लक्ष्मी जी का, तो मैं इधर होलसेल बर्तन मार्केट में आई हूँ, तो एक लेके जा रही हूँ। और कढ़ाई भी चाहिए, तो कुछ सामान रहता है तो मुझे लेना होता है, तो मैं बर्तन मार्केट में आ जाती हूँ। फिर घर आके हम लोगों ने तैयारी की दूसरे दिन मकर संक्रांति की। मैंने कोकोनट ग्रेट किया हर तरह के व्यंजन बनाने के लिए मकर संक्रांति के लिए। और ये सरबानी बना रही है, एक पीठे बोलते हैं ट्रेडिशनल मिठाई पाटी शापटा। ये चावल के कुरादे और गुड़ से बैटर बनता है, और इसमें जो फिलिंग होता है वो नारियल का गुड़ के साथ। फिर तिल, तिल तो इम्पोर्टेंट है ये मकर संक्रांति में, उसके बिना तो चलेगा ही। और ये है लाई, धान का लाई, हम लोग खोई बोलते हैं। इसको गुड़ में पका के बहुत अच्छा लगता है खाने में। और ये तिल का जो तिल गुड़ बोलते हैं वो। तो 15 तारीख की सुबह हम लोग 5 बजे ही सुबह की उठ गए थे। मेरा पूजा पाठ रहता है, मैं अर्पण कर रहा हूँ फूल पूजा के लिए। मकर संक्रांति में सूरज को अर्घ देना बहुत शुभ माना जाता है, तो अर्घ दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग निकल पड़े शिव मंदिर में। इस दिन शिवजी को गाय का घी से अभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है। और तिल और चावल पूजा में चढ़ाते हैं तो अच्छा माना जाता है। और तिल के तेल का दीपक भी जलाना बहुत ही शुभ होता है। ये शाम की तरफ हमारी पूजा रहती है, शर्वानी वही पूजा कर रही है, कम से कम आरती तो वो करती ही है। आज है मकर संक्रांति, तो हमारे बंगाल में जो है, हम लोग बेसिकली बंगाली हैं, तो बंगाल में पीठे बोलते हैं, मिठाइयाँ, ट्रेडिशनल मिठाइयाँ बनती हैं गुड़ और चावल के गुरादे से, मेनली इसी से बनता है। तो ये इस बार हम लोगों ने ये सब बनाया है, इसको खोई बोलते हैं। ये कुछ धान का लाई होता है उसको गुड़ में, और फिर ये नारियल के लड्डू और ये तिल के लड्डू, तिल तो रहता ही है मकर संक्रांति में। और इसको पाटी शापटा बोलते हैं, इसका जो बाहर का बैटर है वो चावल के गुरादे से बना है, गुड़ और चावल के गुरादे से। और अंदर जो है वो आपको दिखाता हूँ, ये जो है इसके अंदर नारियल का फिलिंग है। तो चलिए ये खाते हैं। मकर संक्रांति का दिन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत हम लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट किया। तो बस आज इतना ही, अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अगर ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन पता चले। अच्छा, प्रणाम, नमस्ते।